नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में कविता 5 धरती की शान। तो यहाँ पे कविता 5 है धरती की शान, उसके लेखक हैं पंडित भरत व्यास जी। तो यहाँ पे ये पंडित भरत व्यास जी हैं। विद्यार्थी मित्रों याद रखना, एग्जाम में पूछे जाएगी धरती की शान जो काव्य है उसके लेखक कौन है, तो पंडित भरत व्यास जी। धरती की शान जो काव्य है उसके लेखक हैं पंडित भरत व्यास जी। तो इस काव्य में पंडित भरत व्यास जी जो है हमारे जाने माने गीतकार थे। जो पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आप उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चरू गांव में हुआ था। याद रखना कौन से गांव में हुआ था, तो चरू गांव में हुआ था। उन्होंने कई गीतों की रचना की थी। यह गीत उन्होंने ये धरती की शान जो की थी उसकी रचना सन 1998 में आई हिंदी फिल्म घाव गोरी से लिया गया था। घाव गोरी से लिया गया था। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बड़ा बुद्धिमान बताया गया है। इस काव्य में जो कवि हैं उन्होंने मनुष्य को सबसे बड़ा बुद्धिमान कहा गया है, यानी कि बताया गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की गई हैं। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव है। मनुष्य अपनी बुद्धि से कोई भी कार्य कर सकता है। तो मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, यही भाव इस काव्य में अंतर्निहित है। और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण इस कविता में दिया गया है। यहाँ पे धरती की शान, शान यानी कि गौरव। शान का अर्थ क्या होता है, वैभव गौरव। वैभव भी होता है और गौरव भी होता है। मनुष्य धरती की शान है यानी कि गौरव है। धरती की शान तो भारत की संतान। धरती की शान तो भारत की संतान। धरती के भी बहुत सारे अनेक अर्थ होते हैं। पृथ्वी, धरा, जमीन, भू, वसुंधरा, बहुत सारे शब्द इसके समानार्थी अर्थ होते हैं। धरती की शान, शान यानी कि गौरव, प्रभाव। तू भारत की संतान यानी कि कवि कहते हैं कि धरती की गौरव है तू और भारत माता की संतान, और संतान यानी कि पुत्र। तू धरती की शान है और भारत माता की गौरव है। हे भारत के पुत्र, तू इस धरती की शान है। धरती की शान तू भारत की संतान यानी कि हे भारत माता के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में बंद तू फान है रे। तेरी मुट्ठियों में बंद तू फान है रे। यानी कि
तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है। मनुष्य तू बड़ा महान है, यानी कि तुझ में तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। कवि क्या कहते हैं कि धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। यानी कि इस कविता में यहाँ पे पंडित भरत व्यास जी कहते हैं कि धरती की शान है भारत के पुत्र, तू धरती का गौरव है, तेरी मुट्ठियों में इतनी ताकत है कि तू तेरी मुट्ठी में तूफान बंद रख सकता है, तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है। मनुष्य तू बड़ा महान, यानी कि बड़ा महान ताकतवर है, के हे भारत के पुत्र तू इस धरती का गौरव है, तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, तुझ में तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, पर्वत यानी कि पर्वत का अर्थ क्या होता है, गिरी। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, फोड़ या फोड़ना यानी कि तोड़ना। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को भी फोड़ दे, कि हे मनुष्य तू चाहे तो पर्वतों को भी तोड़ सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, यानी कि तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा भी बदल सकता है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, यानी कि हे भारत माता के पुत्र अगर तू चाहे तो पर्वत और पहाड़ों को भी फोड़ सकता है। अगर तू चाहे तो नदियों का बहाव जिस तरह है उससे भी दूसरी ओर भी मुख को मोड़ सकता है, इतनी ताकत तुझ में है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, यानी कि तू चाहे तो मिट्टी से अमृत भी निकाल सकता है। तू चाहे तो मिट्टी से अमृत भी निकाल सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, यानी कि तू चाहे तो धरती को आकाश से भी जोड़ सकता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, यानी कि अपने अनोखे कर्मों से मर कर भी अमर हो सकता है, तुझे अमृत का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है। फिर से, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से छोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, स्वयं यानी कि खुद। तो यहाँ पे तू चाहे यानी कि अगर मनुष्य चाहे तो बड़े बड़े पहाड़ों को भी तोड़ सकता है, या तोड़ सकता है, फोड़ सकता है। तू जो चाहे नदियों का मुख भी मोड़ दे, यानी कि अगर मनुष्य की इच्छा हो, मनुष्य सोचे कि इस नदी का बहाव भी मेरे को दूसरी दिशा में मोड़ देना है तो भी वो कर सकता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, अगर मनुष्य चाहे तो मिट्टी में से अमृत भी निकाल सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, यानी कि अगर मनुष्य की इच्छा हो, मनुष्य चाहे तो धरती और आकाश को भी एक कर सकता है। अमर तेरे प्राण मिला
तुझको, यानी कि तेरे प्राण अमर हैं, तुझको वरदान मिला हुआ है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, यानी कि तेरे आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठे हुए हैं। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भुजाल। ज्वाल यानी कि ज्वाला, ज्वाल यानी कि ज्वाला। स्वयं यानी कि खुद। मोड़ना यानी कि दिशा बदलना। नयनों में ज्वाल है, नयनों यानी कि आँख, नयन यानी कि आँख। गति, गति यानी कि रफ्तार। भूचाल, भूचाल यानी कि भूकंप। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भुचाल, यानी कि कवि कहते हैं कि तेरे आँखों में, तेरी नयनों में इतनी ज्वाल है कि तू भूकंप को भी रोक सकता है। भुचाल यानी कि भूकंप, इतनी गति तेरे नयनों में है। हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं। तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप को भी रोक सके। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, यानी कि तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। पृथ्वी का लाल, लाल यानी कि पुत्र बेटा, लाल का अर्थ क्या है, पुत्र बेटा। हिमगिरी यानी कि हिमालय सा भाल, भाल यानी कि कपाल ललाट। तेरी बुक्टी में तांडव का ताल है रे, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान। तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे,
आह्वान यानी कि ललकार पुकार, वाणी यानी कि बोली आवाज, निज को तुझा निज यानी कि खुद, हे मनुष्य तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं, तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप को भी रोक सकती है, तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव शक्ति बैठी हुई है, हे पृथ्वी के पुत्र तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचा ऊंचे दर्जे का दिमाग है, तू अगर क्रोध में अपनी बीज तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है, हे मनुष्य तू अपनी शक्ति को पहचान, हे मनुष्य तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज में सारे युग की आवाज है, तू अपनी शक्ति को पहचान, धरती सा धीर है अग्नि सा वीर, धीर यानी कि धीरजवान, धरती सा धीर यानी कि हे मनुष्य तुझ में धरती जैसा धीरज है, धरती सा धीर है अग्नि सा वीर, धीर यानी कि धीरजवान, हे मनुष्य तू धरती जैसा धीरज धरने वाला है और तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है, अग्नि सा वीर, वीर यानी कि शक्तिशाली, यानी कि हे मनुष्य तुझ में धरती जैसा धीरज है और अग्नि जैसा वीर और शक्तिशाली है, कल भी रोक सकता है तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापी की विनाशकता भी रोक सकता है और आदमी का हैवान बनने से भी रोक सकता है, धरती सा धीर है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके पशुता का शेष झुके, यानी कि प्रलय यानी कि विनाश कालता, पशुता का शीश झुके, शीश यानी कि मस्तक, शीश का अर्थ क्या होता है मस्तक, हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, गतिमान यानी कि गतिशील, तेरी नभ में नभ यानी कि आकाश, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, यानी कि हे मनुष्य तुझ में धरती जैसा धीरज है और अग्नि जैसी तुझ में शक्ति है, तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है, तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है, तू अगर हिम्मत से काम ले तो, तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापियों की विनाशकता भी दूर कर सकता है और आदमी को जो इंसान है उसको हैवान बनने से भी तू रोक सकता है, इतनी ताकत इतनी शक्ति हे मनुष्य तुझमें है, तुझमें महान देव गुरु जैसी बुद्धिमता है और तू पवन की तरह गतिशील है, तू आकाश से भी ऊंचे उड़ान की शक्ति रखता है। तो इस काव्य में यही धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तू फान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में है स्वयं भगवान रे,
नयनों में ज्वाल तेरी गति में भुजा, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिम गिरीशा भार, तेरी भुक्टी में तांडव का ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो समय काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा गतिमान मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। यानी कि इस काव्य में मनुष्य की शक्ति को सबसे बड़ी ताकतवर कहा गया है। मनुष्य में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो कोई भी कार्य कर सकता है, कहीं से भी आकाश से भी ऊंची उड़ान भरने की शक्ति मनुष्य में है। ये कवि इस काव्य द्वारा हमको ये संदेश देना चाहते हैं। पर्वत को भी मोड़ सकता है और उसको अमर प्राण मिले हैं। यानी कि हे भारत ना पुत्र, तू आ धरती नु गौरव छे, तारी मुठ्ठीओ मां तूफान बंद छे, तारा तूफान ने पण भस करवानी तारा मां ताकत छे। तू मनुष्य तू खूबज महान अने शक्तिशाली छे। हे मनुष्य तू इच्छे तो पर्वत ने पण तोड़ी सके छे, इच्छे तो नदियों ना वहेणनी दिशा पण बदली सके छे, अगर तू इच्छे तो माटी माथी निचोड़ी ने अमृत पण काढ़ी सके छे, तू इच्छे तो धरती ने आकाश साथे जोड़ी सके छे, अने तू मरी ने पण अमर थई जाय छे, अमृतानु तने वरदान मळेलु छे, तारा आत्मा मां स्वयं परमात्मा बिराजे छे। हे मनुष्य तू क्रोधे भराय तो तारी आँख माथी आग वर्षे छे। हे मनुष्य तू क्रोधे भराय तो तारा आँख माथी अग्नि पण वर्षे छे। तारी चाल मां ए शक्ति छे के तू भूकंप होय तेने पण तू रोकी सके, एटली शक्ति अने ताकत तारामां छे। हे तारी छातीमां महाकाली रूपी शिव बैठा छे, हे पृथ्वीना पुत्र तारी पासे हिमालय जेवू उन्नत मगज, यानी कि हिमालय पर्वत केटलो ऊंचो छे तेटलू ऊंचू तारू मगज छे। तू जो क्रोधथी तारी भुक्टी तिरछी करे तो तारी भुक्टी यानी कि नेण तिरछी करे तो एनी असर शिवना तांडवना जे तालमा होय छे, शिव जारे गुस्सामा होय त्यारे तांडव करे छे, खबर छे, ते ए तांडवमां जेटली मतलब शक्ति होय छे एटली शक्ति तारामां पण छे, तेनी असर थशे जे शिवना तांडवना तालमां छे। हे मनुष्य तू तारी शक्तिने ओळख, तारी वाणीमां युगनो ललकार छे, तारो अवाज समग्र युगनो अवाज छे। हे मनुष्य तारामां धरती जेवी धीरज छे, हे मनुष्य तारामां धरती जेवी धीरज छे, तारामां अग्नि जेवी शक्ति छे, तू इच्छे तो कालने पण रोकी सके छे, तू जो इच्छे तो हिम्मत थी काम पण लई सके छे, अने पापीओनो विनाश पण करे छे, अने जे हेवानी लोको बने छे मनुष्य हेवान बनता रोकी सके छे, तारामां महान देवगुरु जेवी बुद्धिमत्ता छे, अने तू पवननी जेम गतिशील छे, तू आकाशमां पण ऊंचे उड़वानी शक्ति पण तारामां छे। यानी कि सर्वश्रेष्ठ शक्ति मनुष्य की शक्ति है, वो इच्छे तो सब कुछ कर सकता है। यानी कि सबसे बड़ी महान शक्ति मनुष्य की बुद्धि है, अगर वो अपनी बुद्धि से ऊंचे उड़ान भरे तो वो कहीं भी जा सकता है, कोई भी कार्य उसके लिए असंभव नहीं है। यही संदेश इस काव्य द्वारा हमको दिया गया है। विद्यार्थी मित्रों, ये शब्दार्थ हैं, आपके नोटबुक में लिख लो।
मतिमान यानी कि बुद्धिमान, नभ यानी कि आकाश, नभ यानी कि आकाश। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे कविता 5 धरती की शान आज समझ चुके हैं हम। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ थे वो मैंने आप लोगों को लिखाए हैं। अब उसके बाद जो स्वाध्याय और अभ्यास है वो जब हमारा नेक्स्ट पीरियड आएगा तब मैं आपको करवाऊंगी। आज का ये लेक्चर यहाँ पे पूर्ण करती हूँ। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।